Good morning, friends. Welcome back. So today I'm going to discuss about how to give a access right to anyone else in your Google form. It means that I'm going to tell you how you will give the editor rights to someone else. आप अपने Google form में edit के rights किसी और को भी देना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि कोई और भी आपके Google form में changes कर सकें. So how it is possible, I'm just telling you, you please watch the video till the end and be continue with us. Put your suggestion whenever you need. और आप कभी भी कोई problem हो तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो मुझे. Thank you. तो चले video में जाते हैं. सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको open करना होगा अपना Google Drive. तो मैंने यहाँ पे लिखा drive.google.com और drive.google.com लिखते ही मेरा Google Drive start हो गया. आप देख सकते हैं मेरा Drive आ चुका है और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मैंने कई सारे quizzes बनाए थे. तो मैं अपने रिसेंट क्विज पे आ जाता हूँ. मैं देखता हूँ, मैं सपोज करो कि मैं अपने क्विज को ले लेता हूँ. एक मैंने क्विज बनाया था आप लोगों के लिए. Where is the my tutorials quiz? So, चलो मैं इस untitled form को ही open कर लेता हूँ. इस untitled form को मैंने open कर लिया. ये quiz मैंने एक simple सा quiz बनाया था यहाँ पे. अब इसकी rights मुझे किसी दूसरे के साथ share करनी है. जैसा कि आप देख सकते हो, कभी मैं अपने personal Gmail ID से login कर रखा हूँ और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि rights किसी और को दे दूँ. तो चलो इस form को मैं रख देता हूँ training, है ना. इसका नाम कर देता हूँ ट्रेनिंग. और यहाँ पे मैं देखो, ये जो ट्रिपल डॉट्स आपको दिख रहे हैं, थ्री वर्टिकल ट्रिपल डॉट्स, ठीक है. इस ट्रिपल डॉट्स पे आपको क्लिक करना है. इस पे क्लिक करने के बाद, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ट्रिपल डॉट्स, यू विल फाइंड ऐड कोलैबोरेटर्स. तो आपको करना क्या है, यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐड कोलैबोरेटर एंड आफ्टर दैट, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज रिटन हियर. इट इज रिटन हियर ऐड एडिटर्स. ऐड एडिटर्स शेयर विद द पीपल सेटिंग्स means आप settings के साथ editors can change permission and share, viewers and comments can see the options to download, print and copy. तो जैसे कि आप यहाँ से settings भी change कर सकते हो कि क्या क्या permissions होगी. viewers and commenters can see the options to download, print and copy. आप अगर उसको off करना चाहते हो तो off कर सकते हो, on करना चाहते हो तो on कर सकते हो. viewers and can see, तो मतलब ये आप मेरे हिसाब से डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही रहने देना. अब एडिटर्स को क्या राइट मिल रहा है ये देख लो. एडिटर्स कैन चेंज परमिशन एंड शेयर. एडिटर्स के पास चेंज भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए कि मैं अपने दूसरे ईमेल आईडी को ऐड करना चाहता हूँ. तो मैंने अपने दूसरे ईमेल आईडी को ऐड कर दिया. ऐड करने के साथ मैंने उसको कौन सा राइट दिया, मैंने उसको एडिटर राइट दिया. यहाँ पे मैं उसे नोटिफाई करने का मतलब हो गया कि मैं उसे नोटिफाई भी करना चाह रहा हूँ. उसके पास एक मेल भी चला जाएगा. तो मैं यहाँ पे नोटिफाई करना चाह रहा हूँ, You can edit. It is not necessary. You can edit my form. You can edit my form. Thanks, dear. ठीक है. तो अब अगर आप चाहें तो मैसेज नहीं भी दे सकते हैं, आप मेल नहीं भी भेज सकते हैं. अगर आप चाहें तो उसे मेल भेज सकते हैं. यहां से मैं सेंड करता हूं. मैंने इसको सेंड कर दिया. सेंड करते ही ये मेल उसके पास चला जाएगा. अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है पर्सन एडेड. आप एक या एक से अधिक को भी ऐड कर सकते हैं. मींस यू आर एबल टू ऐड मोर देन वन पर्सन हियर. अब मैं आपको उस आईडी को खोलता हूँ जिस आईडी पे मैंने ऐड किया था. तो मैं देखो यहाँ पे वो आईडी ओपन कर रहा हूँ और मैं उस आईडी को ओपन करके ये मैं खोलता हूँ. मेरे पास एक मेल आया होगा. मेरे पास एक मेल आ गया होगा मेरे नोटिफिकेशंस में. आई जस्ट शो यू कि वेयर इज द मेल एंड व्हाट द इंफॉर्मेशन इज देयर. लुक एट दिस, दिस इज द मेल, ट्रेनिंग इनविटेशंस टू एडिट. मेल आ चुका है मेरे पास कि मुझे एडिट का राइट्स मिल चुका है. अब मैं इसको फॉर्म को ओपन करना चाहता हूँ. मैंने इस फॉर्म को ओपन किया. अब देखिए ये गूगल फॉर्म खुल गया मेरा. और इस बार जब ये गूगल फॉर्म खुल रहा है तो यहाँ पे क्योंकि सेम आईडी के साथ ही है, मैं अपनी आईडी को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ. इस बार मैं आईडी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि एक ही लैपटॉप पे मैं दोनों आईडी के साथ काम कर रहा हूँ. और अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है. अब देखिये मेरी आईडी यहाँ से चेंज हो चुकी है. अब मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेनिंग चेंज बाय एडिटर. कोलैबोरेटर कह दो या एडिटर्स कह दो या अदर वन कह दो, मैंने इसको चेंज कर दिया. चेंज करके ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. अब देखो ये सेव हो रहा है, ऑल चेंजेस सेव्ड इन द ड्राइव. सेव हो गया. सेव होने के बाद आपको मैं ये वाला फॉर्म को देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे सेकंड. अब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल मेल आईडी से लॉगिन हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड वाली आईडी से लॉगिन किया था. और जो भी चेंज मैं यहाँ कर रहा हूँ ये वहां पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है.
इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कोई भी चेंजेस होगा और ये फॉर्म एक्चुअल स्टोर होगा उन्हीं के ड्राइव में, उनके ड्राइव में स्टोर होगा। अब मैं यहां से कोई भी चेंजिंग कर सकता हूं, मैं सेटिंग्स में चेंज कर सकता हूं, मैं क्वेश्चंस को ऐड कर सकता हूं, है ना, मैं इसके थीम्स को चेंज कर सकता हूं, मैं इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूं, मैं कई सारे नए क्वेश्चंस ऐड करके यहां पे दिखा सकता हूं, मैं क्वेश्चन ऐड भी कर सकता हूं, तो ये सारी फैसिलिटी मुझे मिल जाएगी बिकॉज आई एम अ एडिटर ऑफ द सेम फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कोलैबोरेटर को ऐड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।